हाय फ्रेंड, आज जो स्टॉक के बारे में बात करना जा रहे हैं वो है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशंस इंडिया लिमिटेड। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशंस एक PSU कंपनी है जो जनरल इंश्योरेंस सेगमेंट में काम करता है, जैसे व्हीकल्स इंश्योरेंस हो गया, प्लांट इंश्योरेंस हो गया, तो इस सेगमेंट में काम करता है। मोस्टली ये टू व्हीलर्स फोर व्हीलर्स इंश्योरेंस में ज़्यादा एक्टिव है, आप देख सकते हैं। तो और कुछ हद तक बिजनेस इंश्योरेंस में एक्टिव है, जैसे हो गया प्रॉपर्टी, हो गया प्लांट एंड मशीनरी, ये सब में थोड़ा बहुत एक्टिव है, लेकिन ज़्यादा जो है व्हीकल्स में। तो एक्सपोर्ट भी इंश्योरेंस में कुछ इंश्योरेंस करता है, ये बिजनेस में है। तो आइए उसका प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं। जनरल इंश्योरेंस जैसे हो गया, मैं वो बात की है कि ये एक PSU है जो आगे चल के शायद डिस इन्वेस्टमेंट में अभी आ सकता है। अभी उसका प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में आ सकते हैं। जनरल इंश्योरेंस एंड नेशनल कॉर्पोरेशन दोनों शायद डिस इन्वेस्टमेंट में आ सकते हैं, गवर्नमेंट का जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है। तो इसका पिछले साल जो प्रॉफिट था 2,300 करोड़ के आसपास, और उससे पिछले साल जो 2,000 करोड़ के आसपास, अभी जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट है इस साल 5,000 करोड़ के आसपास है, क्योंकि ईबीटा उसका ज़्यादा हो गया है, तो 5,000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट है। और उसका जो मार्केट वैल्यूएशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 हज़ार करोड़ के आसपास होगा, 25,000 करोड़ के आसपास उसका वैल्यूएशन होगा। तो 3-4 हज़ार और 5,000 प्रॉफिट में 25,000 करोड़ वैल्यूएशन कुछ ज़्यादा नहीं, स्टॉक अंडर वैल्यू है। अब आप जैसे ही देख रहे हैं, पहले भी हम लोग बात किए थे कुछ PSU के स्टॉक में, मोस्टली PSU स्टॉक अंडर वैल्यू है, जैसे बैंकिंग का हो गया, PSU कंपनी का हो गया, अंडर वैल्यू है। तो अभी वो अभी बहुत बड़ा रैली उसमें देखने थे। तो 50,000 करोड़ का टर्नओवर है, 5,000 करोड़ का प्रॉफिट है, 2 रुपये के आसपास डिविडेंड देता है। अब जाएंगे तो 1.5-2% का डिविडेंड देता है, और होल्डिंग में आजकल म्यूचुअल फंड उसका होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं। अभी उसका चार्ट पे आते हैं, चार्ट पे देखें, काफी दिनों से ये मार्च अप्रैल से एक इस रेंज में काम कर रहा था, अभी धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता है। एक बार ये ऊपर गया, फिर थोड़ा करेक्शन किया, फिर एक बार ऊपर गया जाके करेक्शन किया, अभी एक बार ऊपर गया था फिर करेक्शन होके 130 से अभी 143 के आसपास चल रहा है। तो अभी ये ऊपर की तरफ चल सकता है, नेक्स्ट टारगेट 200 के पास हो सकता है, 175 और 200 के पास हो सकता है। शायद ये एक ही झटके में, जैसे PSU बैंक चल रहा है उसी जैसा चल सकता है, या धीरे धीरे करके जा सकता है, लेकिन ये PSU बैंक जैसा उतना स्पीड में शायद नहीं चलेगा, थोड़ा टाइम लगेगा उसके चलने के लिए। लेकिन एक ही अभी थोड़ा परचेज हुआ है तो वॉल्यूम आया है, अब उसको नजर में आप रख सकते हैं और उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं। उसका जो लाइफ टाइम हाई है आप देख सकते हैं 450 रुपया, वो काफी करेक्शन हो चुका है उसमें पूरा, अभी एक ऊपर की तरफ उछाल लाने का चल रहा है। तो यहाँ अगर देखेंगे वो 185 से 200 तक एक रेंज होगा, शायद एक बार वो उछाल में वहां तक आ सकता है, फिर बाद में हम लोग देखेंगे क्या उसमें हो सकता है। तो आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस देके 130 रुपीज के आसपास स्टॉप लॉस देके ऊपर की तरफ परचेस करके होल्ड किया जा सकता है। अगर इससे नीचे गया फिर देखेंगे, नहीं तो इसको ऊपर जितना ऊपर तक जा सकता है हो जाएगा, लेकिन ये एक बार चले गए, अभी जैसे PSU में रैली चल रहा है, ये एक बार चले गए तो फिर रुकेगा नहीं। और तो ये हो गया जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के शेयर के बारे में डिस्कशन इस वीडियो में। आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को, ताकि आगे जैसे जब भी हम लोग को मुझे कुछ मिलेगा शेयर जिसके फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी होगा, मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा और वीडियो के द्वारा, तो आप लोग को पता चलेगा कि हाँ ये इसमें इन्वेस्टमेंट आप लोग नज़र में रख सकते हैं और इन्वेस्टमेंट के बारे में देख सकते हैं आपके हिसाब से। थैंक यू।